हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे कि पाइथन का स्प्लिट फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो स्ट्रिंग को अगर आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्प्लिट फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, एक सेपरेटर और दूसरा मैक्स स्प्लिट। क्योंकि ये स्ट्रिंग का मेथड है तो हमेशा स्ट्रिंग डॉट करके ही आप इसे कॉल करेंगे, यानी वो स्ट्रिंग जिसे आप डिवाइड करना चाहते हैं डॉट स्प्लिट, और उसके बाद अगर कुछ पैरामीटर देना है तो वो पैरामीटर देंगे। मैक्सिमम दो पैरामीटर पास हो सकते हैं। पहला है सेपरेटर। सेपरेटर यानी वो पैरामीटर, वो डेलिमीटर जिसके थ्रू आप पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहते हैं। अगर आप कुछ वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये वाइट स्पेस लेगा। वाइट स्पेस का मतलब है कोई भी स्पेस, कोई भी टैब कैरेक्टर या न्यू लाइन कैरेक्टर, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड कर देगा बाय डिफॉल्ट, अगर आप कोई डेलिमीटर नहीं देते हैं तो। अगर आपने कोई डेलिमीटर दिया तो ये उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। मैक्स स्प्लिट, मैक्स स्प्लिट का मतलब है कि जो भी डेलिमीटर ये डिवाइड करने के लिए यूज कर रहा है उसे मैक्सिमम कितने टाइम यूज करें, उसे उतने टाइम यूज करके जो रिजल्ट आएगा ये वो रिजल्ट आपको देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, मेटाजोन कॉलन द हैप्पी वर्ल्ड, और बिना कोई डेलिमीटर दिए मैं इसे क्या करता हूँ, स्प्लिट करता हूँ। तो बताइए किस चीज से डिवाइड करेगा ये? ये वाइट स्पेस से डिवाइड कर देगा, यानी मेटाजोन कॉलन यहां तक अलग कर देगा, द अलग कर देगा, हैप्पी अलग कर देगा और वर्ल्ड अलग कर देगा, यानी ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब ये फोर पार्ट्स में डिवाइड होगा तो रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें इन वर्ड्स की लिस्ट। तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, जैसे मैंने इसे स्टोर कराया वेल में, और जब आप वेल को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, इन्हीं वर्ड्स की लिस्ट प्रिंट कर देगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये देखिए इसने इन्हीं वर्ड्स की लिस्ट हमें प्रिंट करके दे दी, और डिवाइड किससे किया, इसने स्पेस से डिवाइड किया। चलिए आगे मूव करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर डेलिमीटर स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया स्पेस। अब क्या रिजल्ट देगा, अभी भी आपको ये सेम ही रिजल्ट देगा, ये देखिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी वाइट स्पेस ही लेता है। अब यहां पर ये फोर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मैं चाहता हूं सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड हो, तो टू पार्ट्स का मतलब है कि ये स्पेस सिर्फ डिवाइड करेगा सिर्फ टू टाइम्स, यानी एक यहां पर और दूसरा यहां पर। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पार्ट हो गया मेटाजोन, दूसरा पार्ट हो गया द, और तीसरा पार्ट बस यहां पर डिवाइड करेगा, यानी हैप्पी एंड वर्ल्ड को डिवाइड नहीं करेगा, ये एक स्ट्रिंग कंसिडर होगी क्योंकि सिर्फ दो जगह इसे अप्लाई करना है। आप एग्जीक्यूट कर दीजिए तो आउटपुट क्या आएगा, मेटाजोन द और हैप्पी वर्ल्ड तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसे एग्जीक्यूट करते ये देखिए मेटाजोन द और हैप्पी वर्ल्ड, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने स्पेसिफाई किया कि दो बार ये अप्लाई हो। अगर मैं यहां पे वन कर दूं तो आप बताइए अब क्या आउटपुट आएगा, क्योंकि आपने वन टाइम अप्लाई किया है तो इसका मतलब इसे अलग कर देगा और इतने पार्ट को अलग कर देगा, यानी दो स्ट्रिंग बनाएगा। आपने अप्लाई किया वन, लेकिन स्ट्रिंग कितनी बन रही है, दो। एग्जीक्यूट कर दीजिए ये देखिए दो स्ट्रिंग में इसने डिवाइड कर दिया। अच्छा बताओ, अगर मैंने यहां पर मेंशन कर दिया जीरो, अब क्या होगा, यानी अब कोई डिवीजन अप्लाई नहीं होगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा, किसमें डाल करके, लिस्ट में डाल करके। ये देखिए मेटाजोन द हैप्पी वर्ल्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहां पे माइनस वन डाल दिया तो माइनस वन डिफॉल्ट वैल्यू होती है, आप लिखें चाहे ना लिखें, माइनस वन का मतलब है कि स्पेस की जितनी भी अक्रेंस है हर जगह से इसे डिवाइड करेगा। तो अगर आप माइनस वन नहीं भी लिखें तो भी सेम रिजल्ट देगा, और माइनस वन लिखेंगे तो भी ये जहां जहां पर स्पेस है उन सब जगह से सेपरेट करेगा, यानी पहले वाला रिजल्ट यानी मेटाजोन द हैप्पी वर्ल्ड यानी फोर पार्ट्स में डिवाइड करके देगा। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि यहां पर मैं स्पेस ही दे सकता हूं या कुछ और भी मेंशन कर सकता हूं, आप चाहें तो कुछ और भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कॉलन से डिवाइड हो जाए, राइट। अभी के लिए ये हटा देता हूं मैं यहां से, तो ये क्या करेगा, कॉलन से डिवाइड करेगा, और जिस चीज से आप डिवाइड करते हैं उसे ये रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाजोन अलग हो जाएगा, कॉलन डिस्प्ले नहीं होगा, स्पेस से लेकर के वर्ल्ड तक ये पूरी स्ट्रिंग
दूसरी स्ट्रिंग होगी। तो एग्जीक्यूट करते हैं कि देखिए मेटाजोन अलग कॉलन नहीं है और स्पेस से लेकर के वर्ल्ड तक पूरी एक स्ट्रिंग बना करके इसने शो कर दी। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये ए से डिवाइड हो जाए, तो अब क्या होगा, अब देखिए अब ये एम ई टी अलग कर देगा, ए को इंक्लूड नहीं करेगा और जेड से लेकर के कहां तक, जब तक ए नहीं मिल जाता, जोन स्पेस द स्पेस एच, यहां तक सेपरेट कर देगा, ए को एक्सक्लूड करेगा क्योंकि ये डेलिमिटर है, और पी पी वाई वर्ल्ड ये अलग कर देगा। एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ऐसा ही कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए मैट, क्योंकि ए आ गया, उसके बाद जोन स्पेस द एच ए को, सॉरी एच को अलग कर दिया क्योंकि ए तो एक्सक्लूड रहेगा, उसके बाद पी पी वाई वर्ल्ड को अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप कोई अपना डेलिमिटर भी यहां पर दे सकते हैं जिससे आप उस स्ट्रिंग को डिवाइड करना चाहते हैं। आई होप पाइथन के अंदर स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।